नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। न्याय के देवता शनिदेव, जिन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, कहते हैं वो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल और दंड दोनों देते हैं। धीमी गति से चलने वाले शनि जब किसी की राशि में प्रभावित होते हैं तो उसे राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं। शनि की साढ़े साथी महादशा और शनि का गोचर जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है और इस बार 6 अप्रैल से शनि 7 लग्न राशि में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। दरअसल 6 अप्रैल को बृहस्पति अपनी नीच राशि यानी कि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक शनि मकर राशि में अकेले रहने वाले हैं। शनि का ये गोचर और गुरु का राशि परिवर्तन किन 7 राशियों पर बड़ा प्रभाव डालेगा, किन राशियों की किस्मत के सितारे चमकाने वाले हैं शनि और गुरु, चलिए आपको बताते हैं। मेष, नवविवाहितों के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के योग बनेंगे। वरिष्ठों के लिए धार्मिक मांगलिक कार्य का अवसर बनेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में पूर्ण सफलता प्राप्ति के योग है। वृषभ, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा होगा। सामाजिक कार्यों में अधिक व्यय होगा लेकिन आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति होगी और नए अनुबंध प्राप्ति के योग है। कार्य व्यापार में लाभ आय के साधन बढ़ेंगे। कर्म, आकस्मिक धन लाभ के योग है। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। तीर्थाटन एवं सामाजिक कार्यों पर धन खर्च होगा। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। व्यवसायिक कार्यों में सफलता कुछ हद तक प्राप्त होगी। तुला राशि, परिवार के बड़ों से सहयोग प्राप्त होगा। संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। हर तरह से सफलताओं के अच्छे अवसर मिलेंगे। नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी। आय के भी अनेक साधन बनेंगे। वृश्चिक, प्रमोशन एवं स्थान परिवर्तन का प्रयास भी सफल रहेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। भौतिक सुख मिलेगा। वाहन खरीदने की संभावना है। कुछ पारिवारिक कलह एवं मानसिक अशांति रहेगी। नौकरी में भी नए अनुबंध की प्राप्ति के योग, अवसर जाने ना दें। धनु, धर्म एवं आध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी प्रभाव बढ़ेगा। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। विदेश यात्रा और विदेशी कंपनियों में नौकरी के बनेंगे आसार। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता से मुक्ति होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपनी योजनाओं और रणनीतियों को गोपनीय रखें। शादी विवाह और व्यापार के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जहां 6 अप्रैल से शनि के घर में बैठकर बृहस्पति इन 7 राशियों में बड़े बदलाव करेंगे तो वहीं बाकी राशि वाले क्या कुछ उपाय करके अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं, ये हम आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं, जो हमारे पेज पर जाकर भी आप देख सकते हैं।